इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर लाहौर से मैं हूं रूबारू, जहां इस वक्त एक खातून टिकटॉकर की वीडियो टॉप ट्रेंड कर रही है। बात कर रही हूं अलीजे सहर की, जिसकी वीडियो शायद आप भी अपने दोस्तों से इनबॉक्स में मांग रहे होंगे। हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने की, और हमारी यूथ में अगर आप फतवे लेना शुरू कर दें, बात करना शुरू कर दें, तो आपको हर कोई हाजी नज़र आएगा। लेकिन अगर इनके इनबॉक्सेस चेक करें तो वहाँ पर सिर्फ यही मैसेजेस होंगे कि वीडियो भेज दें। तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे माशरे की, जो कि इन ट्रेंड्स के ज़रिए सामने आती है। अलीजे जहर एक खातून टिकटॉकर हैं, जो कि व्लॉगिंग भी करती हैं, गांव का जो मंजर है वो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं, मॉडलिंग करती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, और इस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करती रही हैं। हाल ही में खबर मौसूल हुई है कि अलीजे जहर हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है और उनकी जान को ख़तरा लाहक है। जब इसकी तफसील मालूम हुई तो पता चला कि उनकी कोई नाजेबा वीडियो वायरल हो गई है, जो कि वो प्राइवेटली उन्होंने अपने पास रखी हुई थी या जिस मकसद के लिए भी बनाई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खात्मे की कोशिश की है। पाकिस्तान की तकरीबन 24 करोड़ आवाम में से किसी एक नौजवान ने भी उनकी खुदकुशी की कोशिश या इस वीडियो को वायरल करने की मजम्मत नहीं की, सवाए एक शख्सियत के, जो कि हरीम शाह हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हरीम शाह, जिनकी अपनी वीडियोस वायरल हुई और बड़ी डिटाई के साथ उन्होंने सरेआम इस, क्योंकि ये माशरा खुद ढीठ है, हमारे नौजवान खुद ढीठ हैं, तो उनके सामने उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देते हुए हरीम शाह ने डिटाई के साथ अपनी वीडियो को ऑन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी वीडियोज़ थी, मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन ये वायरल हो गई और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का वो चेहरा है जो कि रियल चेहरा है। हम निकाब पहने हर चीज़ की मजम्मत करते हैं, दूसरे को दीन सिखाते हैं, हम ये भी हर दूसरे बंदे को बताते हैं कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, लेकिन हमारे अपने लिए शर्म हया क्या कोई जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है अपने लिए, हमारे लिए सब जायज़ है। और मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं कर रही, 60% तो वैसे पाकिस्तान की जो आबादी है वो नौजवानों पर ही मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर आपको हर तबके के लोग जो है वो कोई भी ट्रेंड बनने के बाद एक ही सवाल करते नजर आएंगे कि वीडियो भेज दें, लिंक भेज दें। कोई इस चीज़ की मजम्मत नहीं करेगा कि ये वीडियो आखिर वायरल क्यों कर रहा है, एक शख्स ने गलती की है, लेकिन हम पूरी सोसाइटी मिलके, हम पूरा मीडिया मिलके, हम तमाम इन्फ्लुएंसर्स मिलके, हम हर एक फर्द मिलके सोसाइटी का उस वीडियो को वायरल करके उस गुनाह में, उस गलती में बराबर के शरीक होते हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। आमिर लियाकत की वीडियो आई डोंट नो जिस तरीके से भी वायरल हुई, उनकी खुदकुशी के बाद लोगों ने बहुत अफसोस किए। इंडिया से, एशिया से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो शहरों से हर रोज़ इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि साइबर हरासमेंट की वजह से, साइबर क्राइम की जानिब से रिस्पॉन्स ना आने की वजह से फ़लाँ शख्स ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ जगह पे एक खातून ने जो है वो अपने आप को भी ख़त्म कर लिया, अपने बच्चों को भी ख़त्म कर लिया। तो इस तरह की वीडियोस से लुत्फ़ उठाने वाले, इस तरह की वीडियोस को शेयर करने वाले, इस तरह की वीडियोस के ट्रेंड्स बनाने वाले क्या उस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं है, जिसकी बेस पे आप एक शख्स को तो बुरा बना देते हैं। सब तोपों का रुख, सब जो है वो उंगलियों का रुख एक शख्स की तरफ होता है, एक खातून की तरफ होता है या मर्द की तरफ होता है। आमिर लियाकत की मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे होते हैं इस डिजिटल दौर में, इस डिजिटल मीडिया की दुनिया में। हर वो शख्स कल्प्रिट है जो कि इस तरह की वीडियोज़ को शेयर करता है। बनाने वाला तो कल्प्रिट है ही, लीक करने वाला तो कल्प्रिट है ही, वायरल करने वाला तो कल्प्रिट है ही, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हाँ, उस वीडियो को शेयर करके हम बराबर के उस गुनाह में, उस गलती में शरीक हो रहे होते हैं। मेरी उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट इदारों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक शख्स को ज़िम्मेदार ना ठहराया करें जब आपके पास कोई शिकायत आती है। उन तमाम अकाउंट्स को ज़िम्मेदार ठहराएं जहां से ये वीडियोस शेयर होती हैं। उन तमाम इनबॉक्सेस की चैट्स को मंजरे आम पे लाएं, जो लोग चस्के ले लेके इन वीडियोज़ को शेयर करते हैं और फिर बाद में हाजी बन के जो है वो मजम्मत भी करते हैं।